हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनालीस किचन। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टोमेटो मैकरोनी सूप की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान एक रेसिपी है, हर कोई इसे झटपट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर एक नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुकर में ऐड कर दिया है पानी, उसमें ऐड कर दिया है रिफाइंड ऑयल, आप लोग ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने ऐड कर दिया है मैकरोनी पास्ता, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक और इसका लीड ऑफ करके गैस ऑन कर दिया है। इसमें मैं एक सीटी लगा लूँगी। इधर एक बाउल में मैंने ले लिया है टमाटर, टमाटर में मैं काट लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, टमाटर बॉयल होने के बाद इसका स्किन आसानी से पील हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर दिया है मैंने पानी, इसका गैस भी ऑन कर दिया है। तो अभी इसमें उबाल आने देते हैं। तो ये जब तक बॉयल हो रहा है, इस इधर मैं ये स्प्रिंग ऑनियन चॉप कर ले रही हूँ। तो देखिए, इसमें उबाल आ गया है, बॉयल हो गया है, यहाँ सीटी भी आ गया है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है, इधर मैं लहसुन चॉप कर लूँगी। देखिए, यहाँ पे मैकरोनी कितना अच्छे से बॉयल हो गया है। मैं एक आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही गर्म है और यहाँ टमाटर भी बॉयल हो गया है, हल्का सा ठंडा हो गया है। अभी इसका स्किन पील कर लेते हैं। इसका स्किन पील करके, ठंडा करके इसका प्यूरी बना लेना है। तो इधर मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है रिफाइंड ऑयल और बटर। गर्म होने के बाद मैंने ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, फिर इसमें ऐड कर देना है चॉप किया हुआ स्प्रिंग ऑनियन। थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दिया है मैंने नमक। फिर मैंने ऐड कर दिया है बॉईल किया हुआ मैकरोनी पास्ता, इसको मिक्स कर लिया है। फिर मैंने ऐड कर दिया है बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न, ये ऑप्शनल है। फिर ऐड किया है ये टमाटर का पेस्ट, इसका पानी, और ये टमाटर का बॉईल किया हुआ जो पानी है वो भी मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर मैंने ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चीनी, ये टेस्ट बैलेंस करने के लिए है। फिर ड्राई पर्सले और ड्राई बेसिल्स, अगर आपके पास फ्रेश है वो भी ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है, आप लोग ड्राई जो मिक्स हर्ब्स मिलते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, वो ऐड कर सकते हो, या फिर चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर सकते हो। इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, फिर मैंने ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर पाउडर। तो रेडी हो गया है हमारा यम्मी सूप। मैंने गैस ऑफ कर दिया है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और ठीक हो जाता है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। क्यों, बनाना बहुत ही आसान है ना, झटपट इसे बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू। ऊपर से मैंने चॉप किया हुआ स्प्रिंग ऑनियन और हरा धनिया से गार्निश कर दिया है। लग रहा है ना, बहुत ही यम्मी। आप लोग ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए।